अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी ये रात का टाइम था और मैं आटा गूंद के रख रही थी सुबह के लिए, क्योंकि फ्रेश आटा गूंदो तो उसके अच्छे पराठे वगैरह नहीं बनते, और ब्रेकफास्ट में ऑब्वियसली हमारे घरों में पराठे ही बनते हैं। अगर मैंने अकेली ने ब्रेकफास्ट करना हो तो शायद मैं ना बनाऊँ, लेकिन फ़ज़ैल के लिए तो मुझे लाजमी बनाना पड़ता है। और अब बेका भी आ गई है, तो बेका जो है वो घर की रोटी बहुत शौक़ से खाती है, चिकन के साथ, यखनी के साथ, तो उसके लिए भी फिर मैं रोटी लाजमी बनाती हूँ। तो इसलिए मैं रात को ही आटा गूंद के रख लेती हूँ, और बस अभी मैं साथ चाय रख रही हूँ, पराठे बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी। और कल मैंने सालन बनाया था भिंडी गोश्त का, तो वो भी निकाल लिया, तो बस उसके साथ जो है ना हम लोग खाना खा लेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। और चाय में मैं ना मैं शुगर यूज़ नहीं करती। हमें तो ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया कि हम लोगों ने शुगर जो है वो बिल्कुल छोड़ दी है चाय में। इवन कोई डिज़र्ट भी बनाए तो शुगर मैं नहीं डालती हूँ, हम लोग स्टिविया यूज़ करते हैं। तो अभी भी मैं स्टिविया के साथ ही चाय बना रही हूँ, तो चाय बनती रहेगी और साथ साथ जो है ब्रेकफास्ट करते रहेंगे। और आप सब सुनाएं, क्या आप लोग क्या ब्रेकफास्ट करते हैं? आजकल तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई हुई है ना कि किचन में खड़े ही नहीं हुआ जाता इतनी देर, लेकिन क्या करें, अब ये काम भी ज़रूरी होते हैं, इनके बगैर गुजारा भी नहीं है। बस जी, अब मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। आजकल पता नहीं क्यों मुझे ना कमर का दर्द फिर से दोबारा से स्टार्ट हो गया है। तो मैं पहले तो हम लोग लाउंज में ही बैठ के खाना खा लेते थे, लेकिन अब तो मैं जैसे ही बनाती हूँ ना, मैं फ़ौरन ले आती हूँ बेडरूम में और रिलैक्स होके ना फिर खाना खाती हूँ। अभी कल करवाया था, ये कारपेट वॉश कराया था, और आज ये कर्टन्स वॉश करने हैं, तो उतार लिए हैं विंडो से, तो इनको अब मैं डालती हूँ मशीन में, और मशीन में मैं इनको वॉश करूँगी। और ब्रेकफास्ट हमारा हो गया हुआ है, तो ये अभी मैंने बर्तन भी धोने हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं अपना जो हॉब है वो क्लीन कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट के बाद तो हॉब इतना गंदा हो जाता है कि उसको लाजमी वॉश क्लीन करना पड़ता है, चाय के और ऑयल के स्टेन्स लग जाते हैं ना, तो बस मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। और फिर उसके बाद कर्टन्स जो हैं अभी वॉश करने के लिए डाल देती हूँ। अभी जी मैं ज़रा तैयार हुई हूँ, क्योंकि मैं जाने लगी हूँ बाहर किसी काम से, और आपको दिखाऊँ मेरे पास अभी कौन बैठा हुआ है बाहर। नूरी, बड़ी बड़ी नूर बैठी हुई है। छोटी नूर को अभी बात देना था, लेकिन फिर अभी ज़रा बाहर जाना पड़ गया है। और आज मैंने बड़ी मज़े की चीज़ बनानी है, आज बनाना है चपली कबाब बनाने। उसके लिए मैंने ना कीमा रात को ही निकाल लिया था। ये आपने इसमें से किसी को निकाल कर दी है? मोटी नूर को वो निकाल दी थी। ये इस वो प्लेट पे ब्लड आया हुआ है। तो आज ही मैंने कीमा रात को ही निकाल लिया था, तो मैं इसका बनाऊंगी, इस कीमे से मैं बनाऊंगी आज चपली कबाब, और इंशाल्लाह ताला रेसिपी भी रिकॉर्ड करूंगी। सो अभी तो मैं बाहर जाने लगी हूँ, और जी कीमे को रख देती हूँ फ्रिज में ही। वैसे ये ऑलमोस्ट हो ही चुका है, नहीं थोड़ा बहुत अभी भी है। और ये जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है, इस ड्रेस से रिलेटेड मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये ड्रेस जो है ना, ये मेरा ब्रॉक का ड्रेस है, और पहले भी मैंने एक दो दफ़ा आपको बताया हुआ है। तो खैर, ये मेरा ब्रॉक का है और ये मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रेस है इस सीज़न का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखें जी मेरे पास कौन है, कैट्स प्लैनेट की ये जान है, कैट्स प्लैनेट की क्वीन है ये, हमारी छोटी सी क्वीन। क्वीन क्वीन के वाइब्रेटर चल रहे हैं, क्वीन बड़ी खुश है, इतनी खुश है माशाल्लाह। मेरा गुड्डा, मेरा छोटा सा, जैसे गुड्डा मैंने उठाया हुआ है, भालू उठाया हुआ है छोटा सा। अब आपको रिदा फजल पे ना व्लॉग देखने को मिला करेंगे। गुड्डा
तो जी बाहर से घर आके मैंने व्लॉग्स अपलोड किए पहले तो, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी डिनर बनाने के लिए। वहाँ पे बच्चों के लिए चिकन भी बॉईल हो रहा है और ये मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाया है तो ये बना के मैं रख रही हूँ। अच्छा मैं ना लाजमी जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना के रखती हूँ क्योंकि आजकल तो वैसे इतनी गर्मी है, किचन में इतनी देर खड़े नहीं हुआ जाता, तो जितना आप टाइम सेव कर सकें ना उतना ही कर लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस ये मैं बना कर रख लूँगी और फिर मैं आपको आज रेसिपी देती हूँ चपली कबाब की, बीफ चपली कबाब। और ये इतने मज़े के, इतने ज़्यादा मज़े के बने थे ना कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि ये घर में बने हुए हैं। और आप यकीन करें इसमें कोई पैकेट वाला मसाला यूज़ नहीं होगा, बहुत सिंपल से घर के नॉर्मल मसालों के साथ इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है बीफ का कीमा और ये वैसे तो मशीन का बना हुआ कीमा है लेकिन मैंने इसको घर में भी एक दफ़ा चॉपर में चॉपराइज किया है ताकि थोड़ा सा और फाइन हो जाए। इसमें मैं अब डाल रही हूँ ये दो मेरे प्याज हैं, इनको मैंने चॉप करके पानी इसका अच्छी तरह से निचोड़ लिया और फिर डाला है। एक टमाटर था उसको छोटा छोटा चॉप किया लेकिन उसके बीच निकाल दिए थे, और हरा धनिया और तीन चार हरी मिर्चें चॉप करके, तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। अब मैं इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। स्पाइसेस में मैंने लिया है 1 टीस्पून अनारदाना, 1 टीस्पून साबुत सूखा धनिया, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और साथ में 1/2 टीस्पून अजवाइन ली है मैंने, 1 टीस्पून भर के मैंने कुटी हुई लाल मिर्चों की ली है, और नमक लिया है मैंने। ठीक है, तो ये सारे घर के स्पाइसेस हैं जो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं, नॉर्मल जो आप डालते हैं, बस एक्स्ट्रा ये है कि इसके अंदर अनारदाना जाएगा और अजवाइन जाएगी। ठीक है, और 2 टीस्पून मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है, 1 मैं इसमें अंडा ऐड कर रही हूँ। अच्छा है कि इसका एक बहुत ही मेन इन्ग्रीडियंट है जो कि मैं बिल्कुल डालना भूल गई, क्योंकि हालांकि मेरे पास पड़ा भी था, वो है मकाई का आटा। तो 4 से 5 टेबलस्पून इसमें वो भी आपने डालने हैं, उससे बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन लिटरली मैं बिल्कुल भूल चुकी थी, उसको मैंने निकाला भी नहीं ड्रॉर से और बस मैं भूल गई डालना। और चपली कबाब जब भी बनाएं तो कीमा थोड़ा सा फैट वाला हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, मेरा फैट वाला नहीं था तो मैंने थोड़ा सा ऑयल अंदर ऐड कर लिया। बस मैं इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और करने के बाद ना इसको आप चाहें तो इसको थोड़ी देर के लिए आप ऐसे ही कीमे को मैरिनेट करके भी रख सकते हैं, लेकिन हमारा तो डिनर का टाइम हो रहा था तो मैंने बस साथ साथ इसको बनाना स्टार्ट कर दिया और इतने मज़े के कबाब बने थे ना, बिल्कुल ऑथेंटिक टेस्ट था और बहुत सिंपल से मसालों के साथ। बस इसमें आपने साबुत धनिया भी डालना है, पिसा हुआ धनिया भी डालना है और पिसा हुआ ज़ीरा और गरम मसाला वगैरह सब डालना है। बस यहाँ पे मैं ना नॉर्मल से साइज़ के पतले पतले से कबाब बना रही हूँ और उसको पैन में फ्राई कर रही हूँ। इनको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे करना है, ना बहुत हाई ना बहुत लो। और यहाँ पे ये कबाब मेरा जो बन गया था पहला, तो ये मैं लेके जा रही हूँ और फ़ज़ैल को टेस्ट करवाऊँगी और देखें कितना परफेक्ट लग रहा है माशाल्लाह। मेरा तो भूख से बुरा हाल हो रहा है। और मेरा हाल जरा दिखा सकते हो? और तुम्हारा तो बहुत ही बुरा हाल है। नहीं सर, एक दफा मेरा हाल तो दिखाओ। इसलिए मर्दों को चाहिए औरतों की कदर करें, जो बीवियां इतनी मेहनत करती हैं उनको खुश रखना चाहिए आपको। किचन कितना गंदा हो जाता है, खाना पहले खाना बनाती हैं औरतें फिर किचन साफ करती हैं, साथ देनी पड़ेगी तुम्हें, बल्कि सब औरतों को जो हाउस वाइफ है। तो ये है जी चपली कबाब की फाइनल लुक। ये बीफ के हैं तो ये थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं। सेम रेसिपी आप चिकन के कीमे से बना सकते हैं, मटन के कीमे से भी बना सकते हैं, एंड ट्रस्ट मी एक दफ़ा बनाएं आपको बहुत ही मज़ा आएगा इसका। सो साथ में मैंने इसके साथ ग्रीन चटनी भी बना ली है, धनिया और मिर्चों वाली और पुदीने वाली, और इसके साथ ये कबाब बहुत ज़्यादा मज़े के लग रहे थे, सही जूसी और टेंडर। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।